इंडियन पेनिनसुला की तरफ बहुत पुराने वक्त से ही पूरी दुनिया के रूलर्स, ट्रैवलर्स और इंटेलेक्चुअल्स आकर्षित होते रहे हैं। ऐसे ही बहुत से मुसाफिर नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम रूल के आने के साथ ही मिडिवल पीरियड में देश में पहुंचे। ये रूलर्स अपने साथ अपने हीलर्स को लेकर आए। ये थे यूनानी हकीम। यूनानी इलाज के बारे में पहला जिक्र हजारों साल पहले लिखे गए हिपोक्रेटिस के टेक्स्ट्स में मिलता है। उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी माना जाता है। इसे बाद में अरब स्कॉलर्स ने डेवलप और ट्रांसलेट किया। इन्हीं में शामिल हैं इब्ने सीना, जो यूनानी मेडिसिन के सबसे जाने माने फिलोसोफर और फिजिशियन रहे हैं। यूनानी मेडिसिन से जुड़ी सबसे अहम टेक्स्ट है इब्ने सीना की अल कानून, जिसे द कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और ये दुनिया में मेडिसिन की हिस्ट्री से जुड़ी सबसे मशहूर किताबों में से एक है। यूनानी मेडिसिन का मानना है कि इंसान की बॉडी में चार ह्यूमर्स या अखलात होते हैं, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। इन ह्यूमर्स के अपने खास टेम्परमेंट या मिजाज होते हैं। ये हैं हॉट, कोल्ड, ड्राई और मॉइस्ट। अगर इन ह्यूमर्स के बीच कोई इम्बैलेंस हो जाए तो कोई बीमारी पनपने लगती है। इसलिए यूनानी सिस्टम में दी गई दवाइयाँ हमेशा इन इम्बैलेंस्ड टेम्परमेंट्स के खिलाफ होती हैं। किसी भी आदमी में कोई सा भी एक टेम्परामेंट जो है वो डोमिनेंट हो सकता है, बाकी टेम्परामेंट रिसेस हो सकते हैं। तो टेम्परामेंट के बेसिस पे ये इसका थ्योरी यूनानी मेडिसिन का जो है वो डिपेंड करता है। नई दिल्ली की हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज हजारों साल पुरानी इस मेडिसिनल प्रैक्टिस के जरिए किया जाता है। 2 साल पहले डायबिटीज की पुरानी मरीज शरीफ बानो के पैरों में 4 नॉन हीलिंग अल्सर्स हो गए थे। उन्हें अचानक ही अपनी जिंदगी लाचार सी लगने लगी, क्योंकि किसी भी इलाज से उनके अल्सर्स ठीक ही नहीं हो रहे थे। वक्त के साथ साथ हालात और बिगड़ते गए। एलोपैथिक उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और लेकिन उनमें कोई हीलिंग साइन नहीं थे, तो उन्होंने उनको एक वार्न कर दिया था कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप आपके एम्पुटेशन का हो सकता है। ये पैर देख के तो यही लगता था कि काट देंगे, डॉक्टर पर काटेंगे, क्योंकि बदबू इतनी दूर से आती थी, बैठ नहीं सकते थे आप वहाँ पे इतनी दूर पे, जब इसमें से बदबू छूटती थी। तो उनको फुली डेवलप्ड गैंग्रीन नहीं था, लेकिन वो गैंग्रीन होने के चांसेस उनके कंप्लीट थे। विद इन फ्यू वीक्स उनको फुली एस्टेब्लिश गैंग्रीन होता और एम्पुटेशन उनका होता। लेकिन इस बार रेजिमेंटल थेरेपी के एक तरीके का इस्तेमाल करके डॉक्टर्स ने यहाँ एक छोटे वर्म, लीच यानी जोंक की मदद ली। डायबेटिक फुट एम्प्यूटेशन पूरी दुनिया के डॉक्टर्स के सामने मौजूद एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। अमेरिकन डेटा के मुताबिक डायबेटिक फुट इन्फेक्शंस वाले जिन मरीजों के पैर काटे जाते हैं वो 5 साल में मर जाते हैं। लीचेस जो लगाते हैं तो एक फंक्शन तो उसका ये है कि वो ब्लड सक कर रही है लीच, लेकिन ब्लड सक करने के साथ साथ कुछ एंजाइम्स लीच जो है वो वहां पर सीक्रेट कर रही है, और वो एंजाइम इतने बेनिफिशियल से हैं, कुछ का फंक्शन वासोडाइलेशन है, कुछ एंजाइम्स जो है ब्लड को फ्लो को बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ जो सकिंग हो रही है उससे वहां के प्रेशर को कम कर रहे हैं। तो देयर आर न्यूमरस एंजाइम जो कि लीच सीक्रेट कर रही है साइट पर, और ये उसका असर है कि वहां पर रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। बिना दर्द वाली इस कमाल की थेरेपी ने शरीफ बानो के लिए एक नई उम्मीद पैदा कर दी। जल्द ही उनके नॉन हीलिंग अल्सर्स हील होने लगे। आज उनके 2 अल्सर्स पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और शरीफ बानो जल्द ही अपने दोनों पैरों पर खड़े होने की आशा कर रही हैं। लेकिन अब पहले से ठीक, आगे उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा अच्छी हो जाऊंगा। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस